एनीमे की शुरुआत एक घने जंगल से होती है, जहां पर हम एक कृष्ण को देखते हैं और उसी कृष्ण के सामने दो बेहोश पड़े बच्चों को देखते हैं और उन दोनों बच्चों में से एक बच्चे की हालत तो बहुत ही खराब होती है। उस बच्चे का एक हाथ कट चुका होता है और ज्यादा खून बह जाने की वजह से वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। उन दोनों बच्चों को इस हालत में देखकर वो कृष्ण कहता है, आखिर ये बच्चे कितने मूर्ख हैं, अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। और यह कहते हुए ही वो कृष्ण अपना आकार बदल कर एक इंसानी रूप में लड़की बन जाता है। और फिर वो लड़की उस घायल लड़के के पास आकर कहती है, ब्लैक एस, तुम इससे ज़्यादा डिजर्व करते हो, इससे ऊपर के डिजर्व करते हो, तुम यहाँ नहीं मर सकते। और यह कहकर वो लड़की अपनी सारी पावर्स को उस लड़के के अंदर ट्रांसफर कर देती है, जिस वजह से उस लड़के का कटा हुआ हाथ ऑटोमेटिक ही वापस हील होने लगता है, मानो जैसे कि वो लड़का एक इमोर्टल बन चुका है। और जैसे ही वो लड़का पूरा हील होने ही वाला था कि तभी उस लड़के की रियल लाइफ में आंखें खुल जाती हैं। मतलब अभी तक हमने जो भी देखा, इस लड़के को लगता है कि वो एक सपना है, पर ऐसा है नहीं, क्योंकि जैसा कि हम देख सकते हैं कि उसके हाथों में रियल लाइफ में बैंडेजेस और स्टिकर्स हैं। मतलब वो सब एक सपना तो नहीं था, अब वो क्या है हमें कहानी में आगे पता चलेगा। इसी के साथ हमें अगले सीन में एक हाई स्कूल एकेडमी दिखाई जाती है, जहां पर हम उस हाई स्कूल एकेडमी के आसमान में ड्रैगन्स को उड़ता देखते हैं, यानी एनीमे के वर्ल्ड में ड्रैगन भी एग्जिस्ट करते हैं। और इसी के साथ हमें एकेडमी के अंदर का सीन दिखाया जाता है, और एकेडमी के अंदर हम हमारे सीस के मेन प्रोटैगनिस्ट ब्लैक को देखते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि सारे बच्चे मिलकर ब्लैक का मजाक बना रहे हैं और वो कह रहे होते हैं कि वो लड़का बिना ड्रैगन के पैदा हुआ है और तुम्हें पता है वो बहुत कमजोर है, पता नहीं क्यों इतना बड़ा होने के बावजूद भी उसे अभी तक अपना ड्रैगन नहीं मिला, वो अपने दोस्त से ही दिन भर ड्रैगन के लिए भीख मांग रहा होता है। इन लोगों की ये सारी बातें सुनकर हमें पता लगता है कि इस यूनिवर्स के हर एक बच्चे के पास अपना खुद का एक ड्रैगन होता है, जिसकी मदद से वो फाइट एडवेंचर करता है। और हमारे सीरीज के मेन प्रोटैगनिस्ट ब्लैक के पास कोई ड्रैगन नहीं है और ना ही ब्लैक कोई मैजिक का इस्तेमाल कर पाता है, जिस वजह से इस यूनिवर्सिटी के सारे लोग ब्लैक को एक कचरे से कंपेयर करते हैं। पर इन सारी चीजों से ब्लैक को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दिल्ली एकेडमी आता है और इन सारे लोगों की बातों को इग्नोर करता रहता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि टीचर सारे बच्चों को सिखा रही होती है कि आखिर वो अपने ड्रैगन को कैसे अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। इस जगह पर ब्लैक के पास भले ही कोई ड्रैगन नहीं है, पर वो टीचर की सारी बातें बहुत ही ध्यान से सुन रहा होता है। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें कुछ देर आगे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर क्लासरूम ओवर होने के बाद हम ब्लैक को एक जगह बैठा हुआ देखते हैं। और वहीं पर कुछ देर बाद ब्लैक का एक लौता दोस्त जाता है, जो कि ब्लैक से कहता है, एश, यानी ब्लैक का पूरा नाम ब्लैक एश है। और वहीं पर ब्लैक और ब्लैक का दोस्त ड्रैगन के बारे में बात कर रहे होते हैं कि इसी बीच उनकी नजर जाती है एक लड़की पे, जो कि इस एकेडमी में काफी ही ज्यादा पॉपुलर लड़की है, क्योंकि वो दिखने में भी काफी अच्छी दिखती है और साथ ही में उसके पास एक बहुत ही यूनिक और पावरफुल ड्रैगन है, जिसका उसे बहुत ज्यादा घमंड है। इसी के साथ हम अगले सीन में देखते हैं कि ब्लैक और ब्लैक का दोस्त कहीं जा रहे होते हैं, जहाँ पर ब्लैक का दोस्त उससे पूछता है, क्या तुम ड्रैगनो रेस में पार्टिसिपेट करने वाले हो? जिस पर ब्लैक कहता है कि मेरे पास ड्रैगन ही नहीं है, तो मैं ड्रैगनोर एकेडमी में कैसे रेस में पार्टिसिपेट कर पाऊंगा? जिस पर ब्लैक कहता है, तुम बोरो कर लेना। और इनकी यही बातें चल रही होती हैं कि इसी बीच वहां पर सारे बच्चों का ध्यान एक लड़की पे चला जाता है। और जैसे ही वो लड़की एकेडमी के अंदर आती है, सारे बच्चे उस लड़की के आसपास मंडराने लगते हैं, क्योंकि वो इस स्कूल की सबसे पॉपुलर गर्ल है। इसे देखकर ब्लैक का दोस्त कहता है, हे भगवान, इस लड़की से सेटिंग करा दो, लाइफ सेट है। ब्लैक के दोस्त की ये सारी बातें वो लड़की भी सुन लेती है और यह देखकर ब्लैक साइड हट जाता है और कहता है, मैं इस लड़के को जानता ही नहीं हूँ, पता नहीं ये कौन है। और इसी के साथ हम अगले सीन में देखते हैं ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन, जहां पर सारे लोग अपने ड्रैगन के साथ ट्रेनिंग करने आए हुए होते हैं। इस जगह पर हम ब्लैक को भी देखते हैं। ब्लैक के पास अपना खुद का ड्रैगन तो नहीं है, बट वो एक प्रैक्टिस ड्रैगन के थ्रू प्रैक्टिस कर सकता है। और इसी के साथ हम अगले सीन में देखते हैं कि सारे लोग अपने ड्रैगन को लेकर तैयार हैं एक दूसरे के ऊपर हमला करने के लिए। और जैसे ही रेफरी कहते हैं, सारे लोग एक दूसरे के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लड़ाई शुरू होने के बाद हम देखते हैं कि ब्लैक प्रैक्टिस ड्रैगन से भी काफी अच्छी तरीके से लड़ाई कर रहा होता है। और इसी बीच हमारा ध्यान जाता है उसी लड़की पर जिसे हमने एपिसोड की शुरुआत में देखा था, और इस लड़की का नाम सिल्विया है। सिल्विया के पास इस एकेडमी का एकमात्र ऐसा ड्रैगन है जो कि हवा में उड़ सकता है और एक से ज्यादा प्रकार के हमले कर सकता है, जिस वजह से सिल्विया को अपने ड्रैगन पर
बहुत घमंड है। इधर सिल्विया अपनी प्रैक्टिस करी रही होती है, किसी बीच हम दूसरी तरफ ब्लैक को देखते हैं, जहां पर ब्लैक भी अपनी प्रैक्टिस कर ही रहा होता है कि तभी उसका अपोनेंट उसके ऊपर एक ऐसा हमला कर देता है जिसके फोर्स की वजह से ब्लैक और ब्लैक का ड्रैगन हवा में उड़ जाता है और गलती से सिल्विया के ड्रैगन से जाकर टकरा जाता है, जिसकी वजह से सिल्विया के ड्रैगन का पूरा बैलेंस खराब हो जाता है और वो चिल्लाने लगता है। और सिल्विया के ड्रैगन को चिल्लाता हुआ देखकर प्रैक्टिस सेशन को वहीं पर एंड कर दिया जाता है। प्रैक्टिस सेशन के एंड होने के बाद ब्लैक के ऊपर ट्यूटर आकर चिल्लाने लगता है और यह सब देखकर ब्लैक बिना कोई गलती होने के बावजूद भी सॉरी बोल देता है। सॉरी बोल के जैसे ही ब्लैक मुड़ता है तो वो अपने सामने देखता है सिल्विया को। सिल्विया बहुत गुस्से में दिखाई दे रही होती है और सिल्विया को इतने गुस्से में देखकर ब्लैक उससे माफी मांगने जाता है। और जैसे ही ब्लैक सिल्विया से माफी मांग लेता है, सिल्विया ब्लैक को माफ करने के बजाय उसे एक थप्पड़ जड़ देती है। इस जगह पर ब्लैक थप्पड़ खाने के बावजूद भी सिल्विया से कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि यहाँ पर उसकी ही गलती थी, इसलिए उसको कुछ नहीं कहना चाहिए। अब इस जगह पर सिल्विया ब्लैक को थप्पड़ मार कर ही संतुष्ट नहीं होती, वो ब्लैक की बेइज्जती करने लगती है सबके सामने। शुरुआत में सिल्विया ब्लैक के ड्रैगन ना होने पर मजाक बनाती है और ब्लैक के ऊपर कई सारे मजाक और टोट मारती है, पर इससे ब्लैक को कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जब एकदम से सिल्विया ब्लैक के माँ बाप पर बात करने लगती है, ब्लैक का गुस्सा संभलता नहीं है और वो सिल्विया के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी ब्लैक का दोस्त उसे आकर रोक देता है और कहता है, ब्लैक वो एक लड़की है, उसका ही सब साथ देंगे, लड़ाई मत स्टार्ट करो। अपने दोस्त की ये सारी बातें सुनकर ब्लैक समझ जाता है कि इस जगह पर लड़ने का कोई फायदा नहीं है, इस जगह पर सब उसे ही ब्लेम करेंगे। इसलिए ब्लैक पीछे हटकर कहता है, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, बस तुमने जो जो शब्द मेरे माँ बाप के बारे में कहे हैं उसे प्लीज वापस ले लो। यह सुनकर सिल्विया कहती है कि मैं अपने शब्द वापस तो नहीं लेने वाली, पर हाँ, मैं एक प्रिंसेस होने के नाते और इस एकेडमी की सबसे गॉर्जियस लड़की होने के नाते तुम्हें एक सोल्यूशन दे सकती हूँ। अगर तुमने मुझे आने वाली ड्रैगन रेस में हरा दिया तो मैं अपने शब्द वापस लेने की सोचूंगी, तो और तुम मुझे तो हरा तो पाओगे नहीं, तो शब्द लेने की बात भूल जाओ। यह सुन के ब्लैक बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस में बिना ड्रैगन होने के बावजूद कहता है, आने वाली ड्रैगन रेस में मैं तुम्हें हरा के बताऊंगा। प्रिंसेस सिल्विया ब्लैक के कहते से ही हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि ड्रैगन रेस ऑर्गेनाइज हुई होती है। ड्रैगन रेस को स्टार्ट करने से पहले रिबा का अनाउंसमेंट करने आती है कि जो भी इस ड्रैगन रेस का विजेता रहेगा उसे मेरा बॉयफ्रेंड बनने का मौका मिलेगा। इतना सुनते से ही सब लोग रेस के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और इसी के साथ हम अगले सीन में देखते हैं कि सब लोग ड्रैगन रेस के लिए तैयार हैं और जैसे ही रेफरी फ्लेगन चलाता है, ड्रैगन रेस स्टार्ट हो जाती है। रेस स्टार्ट होने के बाद हम देखते हैं कि ब्लैक बहुत ज़्यादा मेहनत करता है इस रेस को जीतने की, वो सारे लोगों से आगे निकल जाता है, पर अभी भी सिल्विया उससे आगे होती है, क्योंकि सिल्विया को अपने ड्रैगन का एडवांटेज था, उसका ड्रैगन उड़ सकता था, इसलिए उसको काफ़ी सारी दिक्कतें नहीं झेलनी पड़ी जिससे ब्लैक झेल रहा था, जैसे नदी, पहाड़, जंगल और बहुत कुछ। पर ब्लैक बिना हार माने फिर भी रेस में बना हुआ था, वो सिल्विया को हराना ही चाहता था। इसलिए ब्लैक अपनी जान की परवाह ना करते हुए सारी दिक्कतों को पार करके सिल्विया के अलावा सबसे आगे पहुंच जाता है। और ऐसे ही कुछ देर आगे बढ़ने के बाद ब्लैक को रियलाइज होता है कि वो जिस ड्रैगन पे बैठा हुआ है वो थक चुका है, और अगर वो ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो वो ड्रैगन मर जाएगा। इसलिए ब्लैक जंगल में एक जगह रुक जाता है और वो उस ड्रैगन से कहता है, मुझे माफ करना ड्रैगन, मैं जीत के लिए कुछ ज्यादा ही मतलबी हो गया था, मैं जीत के अपनी इज्जत को वापस लाने में इतना ज़्यादा गुम हो गया था कि मैं तुम्हारी हेल्थ के बारे में भूल गया। वैसे भी सिल्विया उड़कर जीत ही जाएगी, तो कोई बात नहीं, तुम यहाँ पे आराम करो। इस जगह पर ब्लैक ये सब अपने ड्रैगन से कह ही रहा होता है, किसी बीच उसे किसी के गिरने की आवाज़ सुनाई देती है, तो ब्लैक को ऐसा लगता है कि रेस के दौरान कोई इंजर्ड हो चुका है, इसलिए ब्लैक उसकी मदद करने के लिए जंगल में आवाज़ का पीछा करने लगता है और उसे ढूंढने की कोशिश करने लगता है। कुछ देर जंगल में भटकने के बाद ब्लैक की नज़र जाती है एक खंडर पर। उस खंडर की तरफ आने के बाद ब्लैक देखता है एक आदमी को, और उस आदमी ने मास्क लगाया होता है। कुछ देर ब्लैक उस आदमी को देखता है और जैसे ही उसकी नज़र उसके हाथ पर जाती है, उसके हाथ में एक मैकेनिकल मशीन देखकर ब्लैक डर जाता है। उसे समझ जाता है कि वो गलत समय पर गलत जगह आ गया है, इसलिए ब्लैक जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भाग जाता है। ब्लैक को भागता हुआ देखकर वो आदमी कहता है,
ये लड़का, इसके पास असीम शक्तियां हैं, मैं महसूस कर सकता हूँ। इसके पास स्पिरिट का ओरा है। कुछ देर जंगल में भागने के बाद ब्लैक को एहसास होता है कि उसके साइड में कोई भाग रहा है, और वो जैसे साइड में देखता है उसकी नजर जाती है एक लड़की पर जो उसे मारने के लिए उसका पीछा कर रही है, और ये लड़की उसी आदमी की स्लेव है। जैसे तैसे ब्लैक उस लड़की के हमले से बचकर जंगल से भाग निकलता है कि इसी बीच वो लड़की ब्लैक के ऊपर कूद के उसे नीचे गिरा देती है और उसके ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाती है। और जैसे ही वो लड़की उसके ऊपर हमला करने ही वाली होती है, ब्लैक उस लड़की को धक्का दे देता है, पर वो लड़की एक असेशन होने की वजह से अपना बैलेंस बना ही लेती है। पर उस लड़की ने जिस चट्टान पर अपना बैलेंस बनाया था वो चट्टान ढहने लगती है और वो खाई में गिरने ही वाली होती है कि सही समय पर ब्लैक उसका हाथ पकड़कर उसको जमीन की तरफ खींच लेता है। पर उस लड़की को बचाने के चक्कर में गलती से ब्लैक खाई में गिरने लगता है, और इससे पहले कि वो लड़की ब्लैक को बचाने की कोशिश करती कि उसका मास्टर वहां कर कहता है, डरो मत, वो एक स्पिरिट यूजर है, वो अपने आप को बचा ही लेगा। इन्हीं बातों के बीच में हम दूसरी तरफ ब्लैक को देखते हैं जो कि कह रहा होता है, अच्छा है, मैं मरने वाला हूँ। वैसे भी मेरा जीवन कुछ खास नहीं था, मेरे मरने से मेरे माँ बाप के अलावा किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, तो अच्छा ही है कि मैं मर जाऊँ। और ब्लैक ये सब कह ही रहा होता है कि इसी बीच ब्लैक के हाथों के टैटू से रोशनी निकलने लगती है, और वो सोचता है आखिर ये क्या है, क्या मुझे मरते समय अपना पर मिलने वाला है, यानी वो यहाँ पर ड्रैगन की बात कर रहा है। और कुछ देर ऐसे ही रोशनी निकलने के बाद वो रोशनी एक अंडे में बदल जाती है, जिसे देखकर ब्लैक सोचता है कि इसके अंदर उसका ड्रैगन है, और यह सोचकर वो उस अंडे को टच करता है, और जैसे ही ब्लैक उस अंडे को टच करता है वो अंडा फूट जाता है। उस अंडे में से ड्रैगन की बजाय गुलाबी बालों वाली लड़की निकलती है, जिसे देखकर ब्लैक को कुछ समझ नहीं आता आखिर यह हो क्या रहा है। पर जैसे ही ब्लैक उस लड़की को पकड़ता है वो गिरना बंद कर देता है, वो बहुत ही धीरे धीरे जमीन पर उतर जाता है, और नीचे उतरने के बाद वहीं पर एंड हो जाता है। सो गाइस, क्या लगता है आपको, आखिर ये लड़की कौन है, और क्या ये लड़की ब्लैक की रेस जीतने में मदद करेगी, जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। एपिसोड की शुरुआत में, और जैसे ही वो लड़की अपनी आंखें खोलती है और वो रियलाइज करती है कि ये लड़का उसके बहुत करीब है, और साथ ही में उसने कोई कपड़े भी नहीं पहन रखे हैं, वो सीधा ब्लैक को एक थप्पड़ जड़ देती है, जिसकी वजह से ब्लैक काफी दूर जाकर नदी में गिर जाता है। उस लड़की से एक थप्पड़ खाने के बाद ब्लैक रियलाइज करता है कि यह लड़की बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, एक आम लड़की के मुकाबले तो इसमें एक ड्रैगन जितनी स्ट्रेंथ है। यह सोच के ब्लैक उस लड़की से बात करने के लिए अपना मुंह ऊपर करता है, पर कुछ चीज देखकर वो शर्मा कर अपने मुंह को मोड़ लेता है और उस लड़की से कहता है, तुम मेरी पर हो ना। यह सुन के वो लड़की कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे मास्टर हो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हारी मास्टर हूँ, समझे तुम नौकर। उस लड़की की ये सारी बातें सुन के ब्लैक कहता है, क्या। और ब्लैक के कहते से ही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, जहां पर हम उस लड़की और ब्लैक को एक रूम में देखते हैं, जहां पर वो लड़की कहती है, मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मैं चली सोने। यह सुन के ब्लैक कहता है, तुम मेरी पर हो, तुम्हें बाहर सोना चाहिए और मैं बेड पे सोऊंगा। यह सुन के वो लड़की कहती है, चुपचाप से बाहर कुत्तों की तरफ पहरा दो और सो जाओ। और यह कहकर वो लड़की सो जाती है। यह सब देख के ब्लैक कहता है, यार ये सब मेरे साथ ही होना था क्या, चलो पर कोई बात नहीं, अब कम से कम मेरे पास एक पढ़ तो है। और ब्लैक के कहते से ही हमें नेक्स्ट सीन में नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहां पर ब्लैक रेडी होकर बाहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है वो अपने सामने एकेडमी की सबसे पॉपुलर गर्ल शिबाका को देखता है, जहां पर शिबाका ब्लैक से कहती है, मैंने सुना है कि तुम्हें पर मिल गया है, क्या तुम मुझे तुम्हारा पर दिखा सकती हो, मुझे उसको रजिस्टर करना है, कहाँ है तुम्हारी पर। यह सुन के ब्लैक तो बौखला जाता है और बहाने बनाने लगता है। यह देखकर शिबाका कहती है, तुम्हें मुझे गुड मॉर्निंग कहना चाहिए, मैं प्रेसिडेंट हूँ। और यह कहकर शिबाका ब्लैक के रूम के अंदर चली जाती है, और तभी शिबाका की नज़र जाती है एक लड़की को जो कि ब्लैक के बेड पर सो रही होती है, और उस लड़की ने कुछ भी जरूरी सामान नहीं पहन रखे होते हैं। देखकर शिबाका का साथ वाला स्टूडेंट ब्लैक को शक भरी नज़रों से देखने लगता है, और ब्लैक से कहता है, तुमने इतनी सी उम्र में क्या क्या कर डाला। यह सुन के ब्लैक कहता है,
तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। ब्लैक और उस स्टूडेंट की बातों के बीच में ब्लैक की पर्च जाग जाती है और वो सबको देखकर कहती है कि तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो मेरे बेडरूम में। और वहीं पर चिबाका कहती है, जैसा कि ब्लैक तुमने कहा कि ये लड़की ही तुम्हारी ड्रैगन है, इसमें मुझे और हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम्हें इस लड़की का एज ए ड्रैगन रजिस्ट्रेशन कराना होगा और रजिस्ट्रेशन के लिए तुम्हें डॉक्टर कॉर्नवेल से मिलना होगा। इन्हीं सारी बातों के साथ चिबाका ब्लैक से कहती है कि हाँ याद रखना कि डॉक्टर के पास जाने से पहले इस लड़की को थोड़े कपड़े पहना देना, अगर तुम्हारे पास कपड़े ना हो फीमेल के तो ये रहे मेरे कपड़े, इन्हें पहना के ले जाना, वरना इस हालत में से टाउन में मत घुमाने लग जाना। ब्लैक कपड़ों के लिए चिबाका का शुक्रिया अदा करता है और इसी के साथ हम अगले सीन में पहली बार उस लड़की को पूरे कपड़ों में देखते हैं और वहीं पर वो लड़की कह रही होती है कि इंसानों के कपड़े भी काफ़ी सही हैं पर मैं वैसे ही ठीक थी। और ये सब कहते हुए ही उस लड़की के पेट में गुड़गुड़ होने लगती है, इसका मतलब उसे भूख लग रही है। यहाँ देखकर ब्लैक उस लड़की को खाना दिलाता है। इसके बाद वो एक जगह बैठ कर खाना खा रहे होते हैं और वहीं पर ब्लैक उससे कहता है कि तुम्हें ये आइसक्रीम वगैरह नहीं खानी चाहिए, तुम एक ड्रैगन हो और तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग बनने के लिए मीट खाना चाहिए। यह सुन के वो लड़की कहती है, तुमसे किसने पूछा कि मुझे क्या खाना चाहिए या फिर क्या नहीं, मैं तुम्हारी मास्टर हूँ, समझे तुम, अपना मुंह बंद रखो, एक और आइसक्रीम लेके आओ। यह सुन के ब्लैक कहता है, क्या मुसीबत है, मैं इसका मास्टर हूँ या फिर ये मेरी मास्टर है, अभी तो यही क्लियर नहीं हुआ है। चलो कोई बात नहीं, मैं आइसक्रीम लेने जाता हूँ, ठीक है। और ब्लैक आइसक्रीम लेने जाने ही वाला होता है कि इसी बीच उस लड़की को चक्कर आ जाते हैं और वो ब्लैक के ऊपर गिर जाती है। ब्लैक उसे उठाने की कोशिश करने ही लगता है कि तभी वहाँ पर भीड़ जमा हो जाती है और उन्हें लगता है कि ब्लैक और वो लड़की पब्लिक प्लेस में इलू इलू करने की कोशिश कर रहे हैं। और इससे पहले कि ब्लैक सिचुएशन को कंट्रोल में करता, वहाँ पर प्रिंसेस आ जाती है और वो उस लड़की और ब्लैक को इस अश्लील पोजीशन में देखकर शर्मा जाती है और ब्लैक से कहती है, वैसे तो मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं थी पर तुम इतने गिरे हुए आदमी निकलोगे कि ये सारी हरकतें पब्लिक प्लेस में ही शुरू कर दो, ये मैंने नहीं सोचा था। प्रिंसेस ब्लैक को यह सब सुनाई रही होती है कि इसी बीच एक बहुत तेज हवा का झोंका आ जाता है जिसकी वजह से ब्लैक जो चीज़ नहीं देखनी थी वो भी देख लेता है और ये सारी चीज़ें देखते हुए प्रिंसेस भी उसे देख लेती है और उसे बहुत ही जोरदार खोसा जड़ देती है। और इसी के साथ हमें कुछ समय आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि मिस प्रिंसेस की पर्सनल डॉक्टर ब्लैक की फीमेल ड्रैगन का ट्रीटमेंट कर देती है। ट्रीटमेंट होने के बाद जाने से पहले प्रिंसेस ब्लैक से माफ़ी मांगती है कि उसे उसके माँ बाप और उसके पर के बारे में नहीं बोलना चाहिए था और यह कहकर प्रिंसेस मुंह फुलाकर चली जाती है। प्रिंसेस को जाता हो देखकर प्रिंसेस की डॉक्टर जल्दी से ब्लैक को बताती है कि प्रिंसेस दिल की बुरी नहीं है, असल में बस वो एक प्रिंसेस है इसलिए उनको थोड़ा घमंड है बट वो दिल की अच्छी हैं। और यह कहकर प्रिंसेस की डॉक्टर भी प्रिंसेस के पीछे चली जाती है। यह सब देखकर ब्लैक को तो कुछ समझ ही नहीं आता कि इस घमंडी प्रिंसेस ने उससे माफ़ी मांगी। और ये सब सोचते हुए ब्लैक कहता है, मतलब प्रिंसेस घमंडी है पर दिल की बुरी नहीं है। और ये सारे सब ब्लैक के वो लड़की भी सुन लेती है और वो ब्लैक का गाल खींचते हुए कहती है, मेरे अलावा यानी तुम्हारी मास्टर के अलावा तुम्हारे दिल में किसी लड़की के लिए फीलिंग नहीं होनी चाहिए, तुम मास्टर के नौकर हो तो तुम्हें मास्टर के बारे में ही सोचना चाहिए, अगर तुमने किसी और लड़की के बारे में सोचा भी तो मैं तुम्हारे गाल नोच लूँगी और छोटे छोटे टुकड़े करके तुम्हें ही खिला दूँगी ब्रेकफास्ट में। और इन्हीं सब के बीच में ब्लैक ध्यान देता है कि कोई उनकी जासूसी कर रहा है पर वो ज़्यादा नोटिस नहीं करता और उसे इग्नोर कर देता है। और इसी के साथ हम अगले सीन में ब्लैक और उस लड़की को देखते हैं जहाँ पर अभी भी वो लड़की खाना ही खा रही होती है और वहीं पर ब्लैक को याद आता है कि उसने अभी तक इस लड़की का नाम नहीं पूछा और यह सोचते हुए ब्लैक उस लड़की से उसका नाम पूछता है, जिस पर वो लड़की कहती है, मेरा नाम, मेरा तो कोई नाम ही नहीं है, मतलब मेरा कोई नाम ही नहीं है। उस लड़की को ऐसा परेशान होता हुआ देखकर ब्लैक उस लड़की से कहता है, चलो कोई बात नहीं, ये मेरी गलती थी, मुझे लगा तुम एक लड़की हो तो तुम्हारा नाम होगा पर तुम मेरी पर भी तो हो, मतलब मुझे ही तुम्हें तुम्हारा नाम देना होगा और मैंने 14 साल की उम्र में सोचा था कि मेरा ड्रैगन मेरे पास आएगा तब मैं उसका ये नाम रखूँगा,
तो ड्रैगन तो नहीं आया इसलिए मैं वो नाम नहीं रख पाया, बट मैं अब मैं तुम्हें वो नाम देता हूँ। नाम बताने से पहले ब्लैक उस लड़की से कहता है, पता नहीं तुम्हें ये नाम कैसा लगेगा, मैं तुम्हारा नाम एको रखना चाहता हूँ। एको नाम सुन के वो लड़की कहती है, एको एको तो बहुत ही प्यारा नाम है। यह सुनकर कि उस लड़की को यह नाम पसंद आया, ब्लैक उस लड़की से कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि मैंने ये नाम कहाँ से रखा है। इस दुनिया के पहले ड्रैगन यूजर के ड्रैगन का नाम एको था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी अपने ड्रैगन का नाम एको रखूंगा, तो मैंने आज तो तुम्हारा नाम एको रख दिया है, अब मैं तुमसे एको ही कहूंगा। एंड गाइस, हम भी आगे से पूरी सीरीज में इस लड़की को एको ही कहेंगे। और जैसे ही ब्लैक उस लड़की का नाम एको रखता है, वो लड़की चमकने लगती है, और उस लड़की के चमकने के कुछ देर बाद ब्लैक के हाथ के स्टिकर भी चमकने लगते हैं। यह देखकर ब्लैक तो शुरुआत में घबरा जाता है, पर एको कहती है कि यह हमारा बॉन्ड है, इससे घबराओ मत। बॉन्डिंग की प्रोसेस खत्म होने के बाद हम एक सीन में देखते हैं, एको को वॉशरूम के अंदर देखते हैं, क्योंकि एको ने बहुत सारी आइसक्रीम खाई थी जिस वजह से उसका पेट खराब हो चुका था और अब वो ठीक है। पर इन्हीं सब के बीच में हम इको के पीछे एक मिस्टीरियस पर्सन को देखते हैं, जो कि एको की तरफ उसे किडनैप करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। और इसी के साथ हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम ब्लैक को फीमेल टॉयलेट में झांकता हुआ देखते हैं, और उसे से झांकता हुआ प्रिंसेस भी देख लेती है। और वहां पर प्रिंसेस और उसकी पर्सनल डॉक्टर ब्लैक से कहती है, हे थर्की कहेंगे, फीमेल टॉयलेट में देखते हो और झांकते हो। यह सुन के ब्लैक कहता है, आप गलत समझ रही हैं मैडम, असल में इको काफ़ी देर से अंदर गई हुई है और अभी तक वो बाहर नहीं आई। इको का नाम सुन के प्रिंसेस कहती है, इको कौन? अच्छा वो लड़की जो तुम्हारे साथ। और यहाँ कहकर प्रिंसेस और उसकी पर्सनल डॉक्टर वॉशरूम के अंदर चली जाती है। और वॉशरूम के अंदर के सीन में हम देखते हैं कि प्रिंसेस और उनकी पर्सनल डॉक्टर को वॉशरूम के अंदर कुछ नहीं मिलता, वहाँ पर उन्हें बस एक फेफ्रेनाइट डस्ट मिलती है। इसका मतलब इको को किडनैप करने में फेफ्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया है। फेफ्रेनाइट बेसिकली इस वर्ल्ड का एक ऐसा डस्ट है जिसकी मदद से कोई भी किसी की मैजिक एनर्जी को ख़त्म या फिर कुछ देर के लिए बंद कर सकता है, जिसकी वजह से मैजिक यूजर बेहोश हो जाता है। फेफ्रेनाइट डस्ट को देखकर प्रिंसेस और उसकी पर्सनल डॉक्टर समझ जाती है कि इको को किसी ने किडनैप कर लिया है। इको को किडनैप होने की बात सुनते से ही ब्लैक तैयार हो जाता है उसे ढूंढने जाने के लिए, पर ब्लैक को ऐसे ना समझो जैसे उसे ढूंढते जाते हुए देखकर प्रिंसेस कहती है कि तुम उसके मास्टर हो, तुम अपने स्टिकर की पावर का इस्तेमाल कर उसे फाइंड कर सकते हो कि उसका मेन आखिरी कहाँ इस्तेमाल हुआ है और वो कहाँ है इस समय। प्रिंसेस की बातें सुनकर ब्लैक अपने हाथ में लगे स्टिकर्स की पावर का इस्तेमाल करने लगता है, जिसकी वजह से उसके मेना की पावर से कुछ तितलियाँ निकलती हैं, जिसकी मदद से अब ब्लैक इको को ढूंढ सकता है। और इसी के साथ हम अगले सीन में देखते हैं ब्लैक, प्रिंसेस और उसकी पर्सनल डॉक्टर एक सुनसान बिल्डिंग के पास जाती है जो कि जंगल के बीचों बीच होती है। इसके बाद जैसे ही वो लोग दरवाजे के पास आते हैं, वहां पर प्रिंसेस नोटिस करती है कि आसपास में बहुत सारे फेफ्रेनाइट स्टोन्स हैं, जिसकी मदद से मैजिक यूजर का मैजिक कम हो जाता है। यह देखकर प्रिंसेस थोड़ी शक करने लगती है। एंड इन्हीं सबके बीच में हम दूसरी तरफ इमारत के अंदर एक फीमेल डॉक्टर को देखते हैं, साथ ही में उसकी कुछ और भी चीज़ें देखते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि उस फीमेल डॉक्टर के चेकिंग रूम के बेड पर एको लेटी पड़ी है, और ये डॉक्टर एको का ऑपरेशन करना चाहती है और जानना चाहती है कि आखिर कैसे एक ड्रैगन एक फीमेल फॉर्म में जन्म ले सकती है। इसी बीच वो डॉक्टर इको से कहती है, तुम एक करिश्मा हो इको, तुम पहली कैसी ड्रैगन हो जो कि फीमेल फॉर्म यानी एक इंसानी रूप में पैदा हुई हो, तो जानने में मुझे बहुत मज़ा आने वाला है कि ऐसा कैसे हुआ। तो मुझे लगता है कि तुम मेरा साथ दोगे मेरी इस रिसर्च में, तो शुरू करें। और यह कहकर वो डॉक्टर इको की तरफ आगे बढ़ने लगती है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए। पर इससे पहले कि वो डॉक्टर इको के साथ कुछ भी करती, वहाँ पर ब्लैक, प्रिंसेस और उनकी पर्सनल डॉक्टर आ जाती है। उस जगह पर आने के बाद ब्लैक उस डॉक्टर से कहता है, आखिर तुम क्या कर रही हो मेरे पर के साथ। यह सुन के वो डॉक्टर कहती है कि कुछ नहीं, बस थोड़ा एक्सपेरिमेंट। यह सुन के ब्लैक कहता है कि आखिर तुम हो कौन और तुम्हें अधिकार किसने दिया मेरे ड्रैगन और मेरे पर के साथ कुछ करने का। और इससे पहले कि ब्लैक और कुछ भी कहता,
वो डॉक्टर अपनी मैजिक का इस्तेमाल करके और फोर्टनाइट डस्ट का इस्तेमाल करके उन सब की मैजिक एनर्जी कुछ छीन लेता है, जिसकी वजह से प्रिंसेस बेहोश हो जाती है और धीरे धीरे करके प्रिंसेस की पर्सनल डॉक्टर भी बेहोश होने लगती है और इस मैजिक का असर ब्लैक पर भी होने लगता है और वो भी धीरे धीरे कर बेहोश होने लगता है। ब्लैक को ऐसा बेहोश होता हुआ देखकर इको ब्लैक से कहती है, अगर आप ऐसे ही बेहोश हो गए और अगर आपने ऐसे ही मुझे एक्सपेरिमेंट का सब्जेक्ट बनने दिया तो मैं आपको कभी माफ नहीं कर पाऊंगी मास्टर। इको के मुंह से पहली बार मास्टर सुनते से ही ब्लैक रियलाइज करता है कि अब वो एक मास्टर है, वो ऐसे ही हार नहीं मान सकता। और यह सोचते हुए ही ब्लैक अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर अपने स्टिकर की पावर का इस्तेमाल करने लगता है। यह देखकर वो डॉक्टर कहती है कि फेफरनाइट तो किसी भी तरीके के मैजिक को कंट्रोल कर सकता है, ये किस बियॉन्ड लेवल का मैजिक है। ये सारी बातें वो डॉक्टर सोच ही रही होती है कि इसी बीच ब्लैक अपनी जिंदगी में पहली बार मैजिक का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाता है और ब्लैक बिना कोई देरी करे सीधा डॉक्टर के फेफरनाइट डस्ट के मैजिक पर हमला कर देता है और उसके हमले के एक ही वार से डॉक्टर धराशायी हो जाती है। डॉक्टर को हराने के बाद ब्लैक सीधा इको के पास जाता है, जहां पर इको शुरुआत में तो थोड़ी रोती है पर उसके बाद ब्लैक को एक पंच मारते हुए कहती है कि मैंने तो उस समय बस ऐसे ही तुम्हें मास्टर कह दिया था, याद रखना कि मैं ही तुम्हारी मास्टर हूँ, ठीक है ना। इको के मुंह से यह सुनकर ब्लैक कहता है, ये तो बहुत ही पलटू लड़की है। इसी सीन के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम अगले सीन में एकेडमी का सीन देखते हैं, जहां पर ब्लैक का दोस्त उससे कह रहा होता है, यार तू तो बहुत पॉपुलर हो गया। यह सुनकर ब्लैक सोचता है कि उसने मैजिक इस्तेमाल करना सीख लिया इसलिए वो शायद पॉपुलर हो चुका है, बट ऐसा नहीं होता। सारे लोग ब्लैक से जल रहे होते हैं कि उसके पास एक बहुत ही सुंदर वो लड़की वाली दोस्त है और इसी भ्रम में ब्लैक बड़ा खुश हो रहा होता है। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले सीन में ब्लैक का क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहां पर उनकी न्यू टीचर और कोई नहीं वही डॉक्टर होती है जिसका नाम एंजेलस कॉनवेल है। डॉक्टर कॉनवेल को देखकर ब्लैक का दिमाग खराब हो रहा होता है और इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। ड्रैगनोर एकेडमी के एपिसोड नंबर 3 की शुरुआत में हम सिल्विया को देखते हैं, जो कि अपने ड्रैगन से कह रही होती है कि तुम कितने सुंदर और ताकतवर हो ना, मैं खुशनसीब हूँ कि मैं तुम्हारी मास्टर हूँ। और यही कहते हुए हमें सिल्विया की पुरानी मेमोरीज याद आती है, जहाँ पर ब्लैक और सिल्विया एक साथ खेल रहे होते हैं। इसका मतलब ब्लैक और सिल्विया बचपन में काफ़ी अच्छे दोस्त थे पर अब नहीं है। इसके पीछे क्या रीजन है हमें सीरीज में आगे पता चलेगा। ब्लैक के बारे में याद करते हुए सिल्विया कहती है, वो मेरा बचपन से राइवल ही रहा है, मुझे उससे जलन होती है, आखिर वो कैसे किसी का भी ड्रैगन कंट्रोल कर सकता है, इतनी अच्छी कंट्रोलिंग पावर आखिर उसने सीखी कहाँ से। और यही सारी बातें सिल्विया सोच रही होती है कि तभी सिल्विया को एक वाइल्ड ड्रैगन की सेंसनेस महसूस होती है, यानी वो ड्रैगन जिसका कोई मास्टर नहीं होता, यानी वो पूरा जंगली होता है। उस ड्रैगन की पावर लेवल को सेंस करते से ही सिल्विया उस ड्रैगन को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। इसी बीच हम दूसरी तरफ स्टूडेंट काउंसिल का सीन देखते हैं, जहां पर ब्लैक रिबिका को सारी बातें बता देता है कि आखिर कैसे जंगल में दो लोग उसकी जान लेने के पीछे पड़ गए थे, उनके पास वेपन भी थे जो कि इस टाउन में मिलते भी नहीं हैं, और उसी दौरान उसे इको मिली और उसकी वजह से ही उसकी जान बच पाई है। ब्लैक से उन लोगों के बारे में जानकारी लेने के बाद रिबिका समझ जाती है कि आखिर वो कौन लोग थे, और रिबिका अपने मन में कहती है 52 साल पहले वाली लड़ाई की तबाही से वो संतुष्ट नहीं हुए हैं, इस बार वो शायद पूरी ड्रैगन यूजर की पीढ़ी को ही मिटाना चाहते हैं। रिबिका अपने उसी वॉर वाले खौफनाक मंजर को याद कर रही होती है कि इसी बीच ब्लैक और उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो दोनों के दोनों खिड़की पर चले जाते हैं और उनकी नज़र जाती है सिल्विया पर, जो कि ड्रैगन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, जिसे देखकर ब्लैक कहता है वो तो अपने ड्रैगन की मदद से इसे इजीली कंट्रोल कर सकती है, तो आखिर वो उसे राइट करके कंट्रोल क्यों करना चाहती है। ब्लैक इस बात पर रिबिका जवाब देती है कि सिल्विया अपना सबसे बड़ा अपोनेंट तुम्हें मानती है पूरी एकेडमी में, और तुम
किसी के भी ड्रैगन को इजीली कंट्रोल कर पाते हो, भले वो ड्रैगन कितना भी पावरफुल ही क्यों ना हो। इसलिए सिल्विया चाहती है कि वो भी किसी के भी ड्रैगन को कंट्रोल करना सीख जाए, ताकि वो तुमसे पीछे ना रहे। यहाँ कहते से ही रिबिका खिड़की खोल के सीधा हवा में पहुंच जाती है और वो अपने ड्रैगन को हवा में ही समन कर उसे राइड करने लगती है और सिल्विया को बचाने के लिए निकल पड़ती है। इस पूरे सीन के दौरान ब्लैक समझ नहीं पाता आखिर सिल्विया जैसी प्रिंसेस उसके जैसे कमजोर आदमी से क्यों जलती है। ब्लैक के यह सोचते हुए ही हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम ब्लैक और ईगो को देखते हैं, जहां पर ब्लैक वहीं पर भी यही सोच रहा होता है कि आखिर प्रिंसेस उसे अपना राइवल क्यों मानती है। इसी बीच ईगो समझ जाती है कि ब्लैक किसी लड़की के बारे में सोच रहा है और उसे ठरकी समझ कर उसे डांटने लगती है कि तुम मेरे अलावा किसी लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकते हो, तुम मेरे गुलाम हो, समझे तुम। इन्हीं सब के बीच में सिल्विया की नजर जाती है एक स्टेच्यू पर जिसके आसपास बच्चों की भीड़ लगी होती है। यह देखकर सिल्विया ब्लैक से पूछती है आखिर ये कौन है, जिस पर ब्लैक बताता है ये इस किंगडम के पहले आर्क यूजर थे, यानी वो जो तुम्हें कवच दिख रहा है उनके ऊपर उसे ही आर्क कहते हैं। आर्क किसी भी यूजर के ड्रैगन द्वारा दिया जाता है। ड्रैगन कितना कैपेबल है, अगर वो आर्क बना सकता है, अगर वो आर्क बनाने जितनी पावर रखता है तो वो आर्क बना सकता है और अपने मास्टर को दे सकता है, जिसकी वजह से उसकी मास्टर की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसे हरा पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। ब्लैक की इन सारी बातों पर ईगो को बहुत ज़्यादा दिलचस्पी आ जाती है और इसी सीन के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम अगले सीन में उसी असिस्टेंट लड़की को देखते हैं जिसने एपिसोड 1 में ब्लैक को मारने की कोशिश की थी और वो ब्लैक को गलती से देख लेती है, जिस वजह से वो सोचने लगती है आखिर ये लड़का उस खाई से गिरने के बावजूद बच कैसे गया। और यही सोच रही होती है और वो मन में कहती है क्या मैं इस लड़के को अब मार दूँ, पर नहीं, इसने मेरी जान बचाई थी खाई में गिरने से, तो मैं इसे मार तो नहीं सकती। मैं मास्टर को बताऊंगी ही नहीं कि यह लड़का जिंदा है, वैसे भी ये कमजोर लड़का है, आखिर ये करेगा भी क्या, इसे जीना चाहिए। और उस लड़की के यह कहते से ही हमारा सीन चेंज हो जाता है और हम उसी लड़की के मास्टर को देखते हैं जिसे हमने एपिसोड 1 में देखा ही था, जहां पर उस लड़की का मास्टर एक क्लॉक टावर जैसी बहुत ही बड़ी बिल्डिंग पर चढ़कर पूरे टाउन पर निगरानी रख रहा होता है। इसी बीच उस असेशन लड़की आ जाती है जिससे वो मास्टर पूछता है अगर तुम्हें कुछ अजीब तो नहीं लगाना इस टाउन में, जिस पर वो लड़की बताती है यहाँ के लोग बहुत रिलैक्स्ड हैं और वो ड्रैगन का गलत इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। यह सुन के उस लड़की का मास्टर कहता है रिलैक्स तो है पर ज़्यादा देर के लिए नहीं, अब यहाँ पर कोहराम मचने वाला है, मैं अपना पहला हमला अभी करने वाला हूँ। और यहाँ के अगर वो लड़का अपनी स्वाट का यूज़ करके एक बहुत ही जायंट ड्रैगन को समन कर देता है जो कि एक मरा हुआ ड्रैगन होता है, यानी वो मिस्टीरियस आदमी डेथ यूनिवर्स से किसी भी ड्रैगन को समन करने की शक्ति रखता है, यानी सिंपल भाषा में वो पैरानॉर्मल या फिर मरे हुए ड्रैगन को भी वापिस जिंदा कर सकता है। ड्रैगन के समन होते से ही हम देखते हैं कि ईगो को एहसास हो जाता है किसी नेगेटिव एनर्जी का, और इसी बीच हम दूसरी तरफ देखते हैं कि कुछ लोग तो उस ड्रैगन को रोकने के लिए आ भी गए हैं और उन लोगों में से रिबिका भी होती है। रिबिका अपने ड्रैगन और अपने मैजिक का इस्तेमाल कर उस ड्रैगन को रोकने की कोशिश करने लगती है। इन्हीं सब के बीच में वहां पर ईगो भी आ जाती है और ईगो उस ड्रैगन को हराने की कोशिश करने ही वाली होती है कि एकदम से ड्रैगन उसे पकड़ लेता है और अपने अंदर खींचने लगता है। ईगो को इस हालत में देखकर ब्लैक को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, अगर वो करे तो करे क्या, बिना ड्रैगन के बस वो एक आम आदमी ही तो है। ये सारी बातें ब्लैक सोच रहा होता है कि इसी बीच हम दूसरी तरफ रिबिका को देखते हैं जिसने अपना वेपन रेडी कर लिया होता है और वो ड्रैगन पर सीधा हमला भी कर देती है, जिस वजह से उस ड्रैगन की गर्दन धड़ से अलग हो जाती है, जिसे देखकर ब्लैक को ऐसा लगता है कि वो ड्रैगन अब मर चुका है, पर ऐसा होता नहीं है। हमले के तुरंत बाद ही वो ड्रैगन अपने हेड को रिजनरेट कर लेता है। हेड को रिजनरेट करने के तुरंत बाद ही वो ड्रैगन पलट वार करता है रिबिका के ऊपर, पर रिबिका भी उस हमले को अपने ऊपर डिफेंड कर लेती है। रिबिका और ड्रैगन की लड़ाई के बीच में हम दूसरी तरफ ब्लैक और सिल्विया को देखते हैं, जहां पर ब्लैक सिल्विया से कह रहा होता है कि तुम अपने ड्रैगन को जल्दी से जल्दी समन करो सिल्विया, पर सिल्विया असल में अनकॉन्सियस हो गई थी
वो इस ड्रैगन से इतना ज्यादा डर गई थी कि वो हल ही नहीं पा रही थी अपनी जगह से। सिल्विया को इस माहौल में ऐसा अनकॉन्सियस बैठा हुआ देखकर ब्लैक को गुस्सा आ जाता है और वो सिल्विया से कहने लगता है, तो तुम यही थी तुम्हारी रॉयल फैमिली, यही था तुम्हारा सबसे अच्छा ड्रैगन होना, कुछ भी नहीं था, तुम बस एक कमजोर लड़की हो जो कि बस डर के सी बैठी हुई है। ये सब सुनने के बावजूद भी सिल्विया को रिप्लाई नहीं देने पर ब्लैक इरिटेट हो जाता है और वो सिल्विया को थप्पड़ जड़ देता है और कहता है, तुम्हें समझ में आ रहा है, यहाँ पर रिबिका और इको की जान दांव पे लगी हुई है, उठो तुम, डरपोक कहेगी। ब्लैक के हाथ से थप्पड़ खाते से ही सिल्विया जाग जाती है और वो जल्दी से अपने ड्रैगन को समन कर लेती है और फाइट के लिए बड़ी हिम्मत जुटाकर तैयार हो जाती है और उस ड्रैगन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाती है। इन्हीं सब के बीच में हम दूसरी तरफ एको को देखते हैं जो कि उस ड्रैगन के पेट में डाइजेस्ट होने ही वाली थी कि तभी उसे एक स्पेशल क्रीचर यानी कि एक स्पेशल स्पिरिट समन कर लेती है और उसे ब्लैक के होलोग्राम दिखाते हुए कहती है, क्या ब्लैक एश तुम्हारा मास्टर है? जिस पर एको कहती है, नहीं मैं उसकी मास्टर हूँ, हाँ कह सकते हो कि वो मेरा मास्टर है। इको को जवाब सुनते से ही वो लड़की इको से कहती है, वैसे तो तुम्हारा मास्टर बहुत ज़्यादा फेयरलेस है, वह इस ड्रैगन को हराने की पूरी कोशिश कर रहा है पर बिना आर्क के वो इसे नहीं हरा पाएगा क्योंकि बिना ड्रैगन के है तो बस वो एक आम इंसान। ये सारी बातें सुनने के बाद इको उस लेडी से कहती है कि अब मैं क्या कर सकती हूँ। जिस पर वो स्पिरिट कहती है कि तुम एक आर्क बना सकती हो, तुम में तो एक ड्रैगन हो ना, और वैसे भी मेरे इस मेंशन में यानी इस वर्कशॉप में तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा जो तुम्हें चाहिए। यह कहते से ही वो लेडी एको के आसपास बहुत सारे आर्क के पार्ट्स को ले आती है। अपने आसपास इतने सारे पार्ट्स देखकर एको कुछ समझ नहीं आता और वो उस लेडी से पूछती है कि मैं अब इन सारे पार्ट्स की मदद से ब्लैक के साइज का आर्क कैसे बनाऊं। जिस पे वो लेडी बताती है कि ये रहा ब्लैक का साइज और बात रही इन पार्ट्स की, तो ये सारे पार्ट्स इनफ है एक बॉडी आर्मर को बहुत अच्छी तरीके से बनाने के लिए, तो तैयार हो जाओ इको एक अच्छा सा आर्क बनाने के लिए। उस लेडी की ये बात सुनकर इको बहुत जल्दी जल्दी आर्क बनाने लगती है और वो एक इंसान है तो वो ड्रैगन के मुकाबले ज़्यादा समझदार होगी एक अच्छा आर्क बनाने के लिए। और इको ने सुबह ही ब्लैक के मुंह से कई सारी बातें सुनी हैं आर्क के बारे में कि आखिर कैसे कोई आर्क पावरफुल बनता है, इसलिए इको उसी आर्क को ध्यान में रखते हुए जल्दी जल्दी आर्क को बनाने लगती है। इसी बीच हम दूसरी तरफ ब्लैक को देखते हैं जिसने अभी तक हार नहीं मानी है, वो इस ड्रैगन को हरा कर इको को इस ड्रैगन के अंदर से बाहर निकालना चाहता है। वो बार बार अपने स्टिकर्स का इस्तेमाल कर ये पता कर रहा होता है कहीं इको मरी तो नहीं है और वो चिल्लाकर कहता है, इको तुम वहीं रहना, मैं आ रहा हूँ, मैं इस ड्रैगन को जरूर से हराऊंगा। और ये सारी बातें इको भी डोमेन में से देख और सुन रही होती है। ब्लैक को अपने लिए इतना करता हुआ देख कर इको काफ़ी इमोशनल हो जाती है और वो बहुत ही जल्दी उस आर्क को बना देती है और इतनी जल्दी इतना अच्छा और परफेक्ट आर्क देखकर वो लेडी भी काफ़ी हैरान हो जाती है। इसी बीच हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वो आर्क ऑटोमेटिकली ही ब्लैक के ऊपर शिफ्ट हो गया है, यानी जब भी कोई ड्रैगन आर्क को तैयार कर लेता है तो वो ऑटोमेटिकली ही उस ड्रैगन के मास्टर के पास शिफ्ट हो जाता है। आर्क पहनते से ही ब्लैक सिल्विया से कहता है कि तुमने मेरी बहुत मदद की है सिल्विया, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ, पर तुम्हें अब आराम करना चाहिए, यहाँ से मैं संभाल लूँगा। ब्लैक सिल्विया से यह कहकर आगे बढ़ जाता है और वो अपने मन में सोचता है, अगर मैं सारे ड्रैगन्स को ठीक ठाक कंट्रोल कर सकता हूँ तो मैं इस ड्रैगन को भी कंट्रोल कर ही सकता हूँ। और यह सोचकर ब्लैक उस ड्रैगन के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है और उसे कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है। कुछ देर में ब्लैक उस ड्रैगन को कंट्रोल करने भी लगता है और उसे काफ़ी ऊपर ले जाकर उसके ऊपर बहुत ही तगड़ा मैजिक स्पेल का इस्तेमाल कर उस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो वहीं मर जाता है और पूरा आसमान साफ हो जाता है। और सही समय पर ब्लैक गिरती हुई इको को भी जाकर बचा ही लेता है। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सारे लोगों ने स्टूडेंट काउंसिल के ऑफिस में छोटी सी पार्टी रखी है।
अपनी इस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए। इसी सब के बीच में रीबा का ब्लैक और सिल्विया को किस करती है, जहाँ पर ब्लैक तो काफी शर्मा जाता है और बेहोश होने जैसी हालत में आ जाता है, यह देखकर कि वो किसी और लड़की के लिए शर्मा रहा है। एको उसे मारने लगती है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो गाइस, हम एपिसोड की शुरुआत में हमें सिल्विया की यादें दिखाई जाती हैं, जहां पर हम सिल्विया को रोता हुआ देखते हैं और इसी बीच हम छोटे ब्लैक को भी देखते हैं, जो कि सिल्विया के पास आकर उससे कहता है, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं क्या? ब्लैक इस बात पर छोटी सिल्विया कहती है, नहीं, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, तुम मेरा पर छीनना चाहते हो। यानी वो अपने उस ड्रैगन वाले खिलौने की बात कर रही है। और इसी सीन के साथ हमारा सीन प्रेजेंट में आता है, जहां पर हम देखते हैं कि बड़ी सिल्विया अपने उसी खिलौने को देख रही होती है और वो उसी लड़के को याद कर रही होती है। गाइस, इसका मतलब सिल्विया को नहीं पता है कि वो लड़का और कोई नहीं ब्लैक है। और इसी के साथ हमें नेक्स्ट सीन में ऑडिटोरियम का सीन दिखाया जाता है, जहां पर रिबा का सिल्विया को एज ए न्यू स्टूडेंट काउंसिल इंट्रोड्यूस करती है। सिल्विया के बाद वो ब्लैक को भी इंट्रोड्यूस करती है एज ए न्यू स्टूडेंट काउंसिल मेंबर। पर ब्लैक को देखकर कोई भी बच्चा खुश नहीं होता, सारे बच्चे बस यही बातें कर रहे होते हैं कि आखिर इसे किसने स्टूडेंट काउंसिल में ज्वाइन कर लिया। और ये सारी बातें सुनकर ब्लैक को काफ़ी बुरा लग रहा होता है। पर तभी सही समय पर ब्लैक का एक लौता दोस्त चिल्लाने लगता है और ब्लैक को चेयर अप करने लगता है, जिसकी वजह से ब्लैक काफ़ी खुश हो जाता है। ब्लैक के बाद वहाँ पर ईको भी आ जाती है और ईको भी अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए वहाँ आती है, पर कुछ देर इंतज़ार करती है, सारे बच्चों को ध्यान से देखती है और उसके बाद बड़े ही कॉन्फिडेंस से राव करती है। यानी बस वो अपने इंट्रोडक्शन में राव करती है, जिसे देख कर शुरुआत में तो बच्चों को कुछ समझ ही नहीं आता आखिर ये लड़की करना क्या चाहती है। थोड़ी देर बाद कुछ बच्चे हंसने लगते हैं, जिसे देखकर सारे बच्चे हंसने लगते हैं। यह देखकर कि उस पर सब लोग हंस रहे हैं, ईको को काफ़ी बुरा लगता है। और इसी सीन के साथ हमारा ये सीन शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर हम ईको को ब्लैक के साथ देखते हैं और ईको बड़े गुस्से में होती है कि सारे लोगों ने उसका मजाक बना दिया। और वो बार बार कह रही होती है कि सारे लोग पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। यह सुनकर ब्लैक कहता है, वो सब बातें छोड़ो, पर तुम आज बहुत क्यूट लग रही थी उन कपड़ों में। यह कहने के बाद ब्लैक बहुत शर्माने लगता है, पर ईको इन सारी बातों पर ध्यान नहीं देती और वो ब्लैक के हाथ में रखा हुआ पोस्टर को छीन लेती है और उससे कहती है, आखिर ये चीज़ क्या है? सिल्वर नाइट फैन क्लब। यह सुनकर ब्लैक कहता है कि ये बस एक फैन क्लब है। ब्लैक की इस बात पर ईको ब्लैक से पूछती है, क्या तुम इस फैन क्लब के फैन हो? जिस पर ब्लैक कहता है, हाँ थोड़ा बहुत मैं इसका फैन हूँ। इन दोनों की इन्हीं बातों के बीच में हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें अगले सीन में एक वॉर जैसी एरिया का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम एक बहुत बड़ी फोर्स को किसी और हमला करने के लिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं। और उस फोर्स के सामने हम एक लेडी को देखते हैं, जो कि लड़ने के लिए तैयार है और वो इस फोर्स पर हमला करने की सोच रही है। और फिर वो लेडी अपने ड्रैगन को बुलाती है और उसका ड्रैगन भी बिल्कुल सिल्विया के ड्रैगन की तरह उड़ सकता है। यानी सिल्विया और इस लेडी के बीच में कुछ कनेक्शन है, पर क्या कनेक्शन है वो हमें आगे पता चलेगा। इसी सीन के साथ हमारा सीन वापिस से एकेडमी पर ही आ जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि स्टूडेंट काउंसिल के क्लासरूम में सारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं। वहां पर हम ब्लैक को भी देखते हैं और पहले दिन होने की वजह से सारे बच्चे अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं। इस इंट्रोडक्शन के बीच में वहाँ पर रिबा का आ जाती है और रिबा का सिल्विया, एको और ब्लैक को अपने साथ स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस में ले आती है, जहाँ पर रिबा का सिल्विया से पूछती है, क्या तुम अपनी बड़ी बहन के बारे में कुछ जानती हो? यानी वो लड़की जिसे हमने वॉर में देखा था, वो सिल्विया की बड़ी बहन है। सिल्विया रिबागा के मुंह से अपनी बड़ी बहन के बारे में सुनते से ही बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती है, मानो वो अपनी बड़ी बहन से बहुत ज़्यादा घबराती है। सिल्विया के ऐसे डरते हुए फेस के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है
और हमें दिखाया जाता है सिल्विया की बड़ी बहन को। और इसी सीन के साथ हमारा सीन वापिस सिल्विया पर आता है और हम देखते हैं कि सिल्विया पूरे दिन बड़ी उदास रहती है, मानो वो चाहती ही नहीं है कि उसकी बड़ी बहन यहाँ पर आए। सिल्विया को ऐसे उदासी और डरे हुए मन से घर जाते हुए ब्लैक भी देख लेता है और ब्लैक सिल्विया से पूछता है, कोई दिक्कत है क्या, तुम काफ़ी डरी हुई लग रही हो। जिस पर सिल्विया कहती है, नहीं कुछ दिक्कत नहीं है। इसी सीन के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है उस दिन पर जिस दिन सिल्विया की बड़ी बहन टाउन में आने वाली थी। सिल्विया की बड़ी बहन के आने की खुशी में काफ़ी बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था, क्योंकि सिल्विया की बड़ी बहन मिलिट्री में काफ़ी अच्छी पोजीशन पे है और अधिकतर वॉर और इन सब के दौरान सिल्विया की बड़ी बहन की वजह से ही किंगडम जीतता आ रहा है। और दूसरी बात कि सिल्विया की बड़ी बहन एक प्रिंसेस भी है। इसी सेलिब्रेशन के सीन के बीच में हमारा सीन सिल्विया और ब्लैक पे आता है, जहाँ पर ब्लैक सिल्विया से पूछ रहा होता है, आखिर तुम अपनी बड़ी बहन से इतना डरती क्यों हो। जिस पर सिल्विया कहती है कि मैं उससे नहीं डरती, मैं बस ऐसे ही नर्वस हूँ अपनी बहन से मिलने के लिए। और इन दोनों की इन बातों के बीच में सिल्विया की बड़ी बहन किंगडम में अंदर आ चुकी होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सिल्विया की बड़ी बहन के पास एक बहुत बड़ा मैकेनिकल ड्रैगन है, जो कि उसका मैकेनिकल शिप है दूसरे किंगडम्स पर हमला करने के लिए, जो सच में काफ़ी बड़ा होता है। और उसी में होती है सिल्विया की बड़ी बहन। उस शिप को देखकर रिबाका कहती है, तो ये है दी प्रिंसेस वेरोनिका का दी डिस्ट्रक्टिव साइल्वेनस। ये सच में काफ़ी लाजवाब है। और जैसे ही उस शिप में से प्रिंसेस वेरोनिका निकलती है, हमारा ये एपिसोड वहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 5 की शुरुआत पिछले एपिसोड के ही आखिरी सीन से होती है, जहां पर हम देखते हैं कि पूरे ड्रैगनर किंगडम के लोग प्रिंसेस के स्वागत में खड़े होते हैं और कुछ ही देर में एंट्री होती है प्रिंसेस वेरोनिका की, जो कि सिल्विया की बड़ी बहन है। प्रिंसेस वेरोनिका अपनी मैकेनिकल ड्रैगन के ऊपर से उतर के नीचे आती है, जहाँ पर सिल्विया उनका इंतजार कर रही थी। सिल्विया बड़े ही ऑनर से कहती है कि आपका स्वागत है दीदी ड्रैगनर किंगडम में। प्रिंसेस वेरोनिका सिल्विया को देखते से ही बड़ी शक की निगाहों से कहती है, तुम कौन हो, और यह कहकर सीधा सिल्विया पर हमला कर देती है। उस हमले से बचते हुए सिल्विया कहती है, आखिर तुम समझ ही गई। और यह कहकर सिल्विया अपना मुखौटा उतारती है और हमें पता चलता है कि वो सिल्विया नहीं, सिल्विया की मेड है। इन्हीं सब के बीच में असली सिल्विया दौड़ती हुई उस जगह पर आते हुए कहती है कि मुझे माफ़ करना सिस्टर, मैं लेट हो गई। पर इससे पहले कि सिल्विया और कुछ कहती, सिल्विया की बड़ी बहन सिल्विया पर हमला कर देती है, जिस वजह से सिल्विया के कपड़े फट जाते हैं और वो सारे लोगों के बीच शर्मिंदा होने लगती है। पर इससे पहले कि सिल्विया और शर्मिंदा होती, सिल्विया की मेड जल्दी से किसी से सेट लेकर सिल्विया को ढक देती है। यह सब देखकर ब्लैक सिल्विया की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, पर प्रिंसेस वेरोनिका का गार्ड ब्लैक को एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाने देता और उसे वहीं रोक लेता है। यह सब देखकर ब्लैक की ड्रैगन यानी ईगो कहती है कि आखिर ये कैसी बहन है, सबके सामने अपनी छोटी बहन को ऐसे शर्मिंदा कर रही है। ये सब करने के बाद प्रिंसेस वेरोनिका ड्रैगनर किंगडम के अंदर जाने लगती है। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी एसोसिएशन गर्ल का सीन दिखाया जाता है। और इसी के साथ हमारा सीन वापस से ब्लैक पर आता है, जहां पर हमें पता चलता है कि ब्लैक एक पार्ट टाइम जॉब कर रहा है कुछ पैसों के लिए। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है सिल्विया की तरफ, जहां पर हम देखते हैं कि सिल्विया एक कांच के दरवाजे के पास खड़ी होकर सोच रही होती है कि आखिर उसकी बहन ने उसके साथ ऐसा क्यों किया, सबके सामने उसको शर्मिंदा क्यों किया, क्या उसकी बहन उससे नफरत करती है। और यही सारी बातें सिल्विया सोच रही हो जाता है। और हम अगले सीन में देखते हैं कि सिल्विया बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग कर रही होती है, वो रिबाका को एज अ अपोनेंट रखकर ट्रेनिंग कर रही होती है,
जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा थक जाती है, क्योंकि रीबा का बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट भी है। साथ ही में उसका ड्रैगन भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर सिल्विया भी हार नहीं मानती और वो उसको एज अपोनेंट मानकर बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग करती है। वो अपनी बहन को दिखाना चाहती है कि वो मेहनत कर रही है अपने सपने को लेकर, पर इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग करने की वजह से सिल्विया बहुत ज़्यादा थक जाती है और वो बेहोश हो जाती है। और इसी के साथ नेक्स्ट सीन में जैसे ही सिल्विया अपनी आँखें खोलती है, वो अपने सामने ब्लैक को देखती है। सिल्विया के जागने के बाद ब्लैक सिल्विया से पूछता है कि आखिर तुम इतनी ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग आज क्यों कर रही थी, जिस पर सिल्विया बताती है कि वो अपनी बहन को साबित करना चाहती है कि अब वो पुरानी वाली सिल्विया नहीं रही, अब वाली सिल्विया कमज़ोर नहीं है, अब वाली सिल्विया अपने सपनों को पूरा कर सकती है और वो अपने सपनों के लिए कड़ी मेहनत भी कर सकती है। और यह सोचते हुए सिल्विया अपनी बहन के बारे में सोच रही होती है। इन्हीं सब के बीच में रीबा का भी रूम के अंदर आने ही वाली होती है, पर वो ब्लैक और सिल्विया की ये सारी बातें सुनकर उन्हें बिना इंटरफेयर किए वहाँ से चली जाती है। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि इको पता नहीं क्यों ब्लैक के साथ कुछ करने की कोशिश कर रही थी, मानो इलू इलू करने की कोशिश कर रही थी। पर सही समय पे, इससे पहले कि ब्लैक का कुछ लूट जाता, रीबा का वहाँ पर आ जाती है और उन्हें ये सब करता हुआ देखकर उन्हें रोक देती है। और रीबा का ब्लैक से कहती है कि तुम्हें अपने ड्रैगन के साथ ये सब नहीं करना चाहिए, और करो तो पब्लिक प्लेस में तो बिल्कुल ही नहीं। यह सब सुन के ब्लैक को बहुत अजीब लगता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, सब कुछ तो ये अश्लील लड़की कर रही थी। और इसी के साथ हम अगले सीन में स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस का सीन देखते हैं, जहां पर रीबा का अपने सामने रखे हुए पोस्टर को देखकर कहती है कि ये 5 साल पुराने टेररिस्ट है और इसे अभी कुछ दिनों में किंगडम में देखा गया है। और उस पोस्टर को देखकर हम समझ जाते हैं कि ये लड़की और कोई नहीं, ये वही लड़की है जिसने फर्स्ट एपिसोड में ब्लैक पर हमला किया था, यानी वो लड़की एक टेररिस्ट है। और इसी के साथ हमें पूरे किंगडम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि पूरे किंगडम में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, यानी ब्लैक, रीबा का, सिल्विया और उस ड्रैगन की लड़ाई में जितना भी नुकसान हुआ था उसकी भरपाई चल रही है। इसी बीच हमें दूसरी तरफ सिल्विया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सिल्विया को एक लड़की म्यूजियम और पूरे ड्रैगनर किंगडम की हिस्ट्री बता रही होती है। ये पूरी हिस्ट्री सुनने के बाद सिल्विया बड़े ही गुस्से में उस लड़की से कहती है, आखिर तुम मुझे ये सब क्यों बता रही हो, मुझे ये सब नहीं जानना है। जिस पर वो लड़की कहती है, आप एक प्रिंसेस हो, आपको ये सब जानना ज़रूरी है, और आपकी बड़ी बहन को इन सब चीज़ों का बहुत नॉलेज है, उन्हें पॉलिटिक्स का नॉलेज है, उन्हें वार का नॉलेज है, उन्हें सब कुछ आता है, तो उनकी छोटी बहन होने के नाते आपको भी सब कुछ आना चाहिए। सिल्विया को ये सारी बातें बहुत बुरी लग रही होती हैं कि उसे बार बार उसकी बड़ी बहन से कंपेयर किया जा रहा है। और इसी चीज़ के साथ हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो गाइस, ये एपिसोड तो खत्म हो गया, बट क्या लगता है आपको कि आखिर वो असिस्टेंट लड़की और उस मिस्टीरियस पर्सन के क्या इरादे हैं, क्या वो करना चाहते हैं इस किंगडम के साथ, और आखिर 5 साल बाद वो आखिर फिर से इस किंगडम में क्यों लौटे हैं, और क्या पावर रखता है वो मिस्टीरियस पर्सन, सब कुछ जानेंगे आने वाले एपिसोड्स में।